नर्मदे हर। आज 4 दिसंबर 2021 शनिवार, हम यहाँ पिछोड़ी से गायत्री मंदिर से अभी सुबह 6:15 बजे रवाना हो रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे। यहाँ से शूल पानी की झाड़ी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से लगभग मोरकट्टा 10 किलोमीटर है, नहीं मोरकट्टा 12-13 किलोमीटर होगा। नर्मदे नर्मदे हर। देखते हैं, ओ शूल पानी झाड़ी, दादा अपने को विश्वास नहीं था, मैं कोठारी इधर आया। अभी एक परिक्रमा वासी थे, उनका एक पैर नहीं था, वो भी झाड़ी से होके परिक्रमा कर रहे, मैया उनकी परिक्रमा सफल करे। नहीं दादा, अजब साहस है, नहीं पैर ही नहीं है दादा, एक नीचे से पैर ही नहीं है एक, हाँ वो डुप्लीकेट पहना हुआ है। पिछोड़ी के बाद ये पिछोड़ी से जुड़ा हुआ ही कठरा गांव, नर्मदे हर मैया। लो बेटा, एक मिनट ले, बीज वाला ये अभी हमने कठरा गांव पार किया। चलो चलो दादा, झाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, मैया के हृदय स्थान में। दादा झाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, मैया के हृदय स्थान में। देखे दादा पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे, हाँ बहुत ही, 7 किलोमीटर दादा, बहुत ही मोरकट्टा से पहला जाता है, बहुत ही बराबर, बहुत ही के बाद मोरकट्टा, नहीं 2-3 किलोमीटर होगा। हाथ सोंदुल सोंदुल आया, नहीं पहाड़ियों के बीच है दादा, सब पक्के मकान बन के दादा, अब तो कौन है मारा के सूर्य देवता। नर्मदे हर नर्मदे हर। तुमने ध्यान सूर्य देव, हे सृष्टि ना सर्जनहार जगत पिता परमेश्वर, नर्मदे नर्मदे हर। अब तो यहाँ भी दादा लगभग सभी के पक्के मकान बन गए, हाँ सब पैसे वाले हो गए। हाँ वो पीछे बोल रहे थे रणछोड़ भाई का वो लड़का कि सभी को घर में जितने सभ्य है, जितने राशन कार्ड में नाम है, सभी के खाते में 60-60 लाख रुपए, तो कितने होते, बहुत होते हैं दादा। 60 लाख अगर घर में 4 सभ्य है तो 2 करोड़ से ज्यादा हो गए,
ये तो अभी सब रही से ठीक है, अंदर ही झाड़ी में गरीबी है। और संपन्नता का एक ही निशान, मोबाइल का टावर, मोबाइल का टावर लगा है, समझो कि ये काम संपन्न है। इस एरिया में मोबाइल ज्यादा होगे तो ही ना दादा, टावर कब लगता है। सुबह के 8 बजने को हुए, अभी हम पामटा गांव से गुजर रहे हैं। भवती यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है अभी। यहाँ पर बैठ कर हम थोड़ी देर विश्वराज का इंतजार करेंगे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। सुबह के 8:15 बजे और अभी तक हमने पिछोड़ी गांव से लगभग 5 किलोमीटर चलकर भामटा गांव पार किया है। इन रास्तों पर थोड़ा समय लगता क्योंकि ये चढ़ाई वाले रास्ते होते। देख उस पहाड़ी पे वो लड़के पतंग चढ़ा रहे, ऊपर दिखाई दिए। विठल दादा खड़े ब्रिज पे, भामटा गांव में पीछे एक किराना की दुकान वाले भैया ने चाय प्रसाद दिया और वहां से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर दादा। पामटा गांव को पार करते ही ये गोई नदी मैया आती है, इस पे ब्रिज बना हुआ है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। गोई नदी बोलते हैं इसको, गोई नदी दादा, गोई नदी, गोई नदी नहीं, पीछे ग्रामीण ने बोला है, पीछे एक नागरिक ने बोला है गोई नदी। अपने को चढ़ने में परेशानी हो दादा, वहां बच्चे खेलने चले गए सुबह सुबह, हाँ पतंग चढ़ा रहे, देखो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ, पतंग चढ़ा रहे, कोई कोई कुछ खेल रहे, हाँ देखो वहां से वो दौड़ता दौड़ता आया और ऊपर चढ़ेगा अभी। नर्मदे हर दादा, ये सीन तो देखो, सीनेरी जैसा दिखेगा, सीनेरी जैसा दिखेगा, बहुत ही सुंदर, नहीं दादा बहुत ही सुंदर दृश्य। सुरपाणी की झाड़ी में एक बार घूमने आए ना खाली कैमरा लेके DSLR, तो फोटो खींचने की मजा आ जाए, बहुत ही सुंदर दृश्य। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ऊंचे ऊंचे।
नर्मदे यार बेटा। नर्मदे सावधान, आगे अंधा मोड़ है। अंधा और आंखों वाला कैसा होता है भवती? कितना भाई भवती? यहाँ से 2 किलोमीटर। नर्मदे नर्मदे। बड़वानी 13। यहाँ पर तात्कालिक मोड़ आता, उसे अंधा मोड़ कहते हैं। जहाँ सामने से आने वाला कोई साधन दिखाई नहीं देता। अरे यार, आंगनवाड़ी केंद्र बबुलताड़। बहुत ही सुंदर दृश्य। इस गांव का नाम है बबुलताड़। शायद पहले यहाँ पर बबुल और ताड़ के ज्यादा पेड़ रहे होंगे। नर्मदे विठल दादा आगे जा रहे हैं। विश्वराज भी मुझसे आगे बढ़ गया है। नर्मदे नर्मदे हर। ये विस्तार वैसे तो झाड़ी में ही आता है, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, मगर अभी ये सब लोग सुख संपन्न है। जगह जगह अगर 8-10 घर भी रहते हैं तो सरकार ने पानी की टंकियां लगा दी है, सबके घर सक लिया है, पक्के मकान बन गए हैं। आगे बीजासन आएगा, बीजासन में कहते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, उसके आगे रियल जंगल शुरू होगा। नर्मदे यार हर, नर्मदे हर। बहुत ही यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है अभी। किलोमीटर के हिसाब से इस क्षेत्र में चल पाना मुश्किल है कि हम दिन का इतना किलोमीटर काट लेंगे, क्योंकि पीछे हम भी 18-20-22 किलोमीटर चलते ही थे, मगर यहाँ सुबह से निकले हैं अभी तक मुश्किल से 5-7 किलोमीटर काटा होगा। नर्मदे चारों तरफ हरियाली है। ये भवती गांव है, हमने अभी अभी यहाँ पर बाल बुक किया और आगे बढ़ रहे हैं। बंद होगी क्या? पेट्रोल पंप है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हमें भवती गांव से निकल रहे हैं। बहुत दिनों से पतली दाल और रोटी खा खा कर थक गए थे, सटपटा खाने की बहुत इच्छा थी विश्वराज की भी। तो आज आलू बड़े और मिर्ची बड़े खाए। चाय के पैसे यहाँ की दुकानें वाले परिक्रमा वासियों से नहीं लेते, तो चाय के पैसे नहीं लिए। अब हम भवती गांव को पार कर निकल रहे, पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव। ये स्कूल है नहीं दादा? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवती। बताइए बताइए। आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवती। नर्मदे यार नर्मदे यार।
भगवती का हॉस्पिटल है। भगवती के सरकारी हॉस्पिटल से कुछ दवाएं लेकर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। विठल दादा अभी मोरकट्टा जाने की बात कर रहे हैं। मोरकट्टा कितना दूर है दादा? मोरकट्टा ज्यादा दूर होगा। ओ हो 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 हो, झूठ मत बोलो। फिर विश्राम, फिर वहीं विश्राम, ठीक है। नर्मदे भगवती गांव बराबर मोरकट्टा 8। दादा मोरकट्टा 8 और बीजासन 3 किलोमीटर यहाँ से। नर्मदे हर और बड़वानी 15 बड़वानी 15। अरे रे रे रे, अभी कल से 15 किलोमीटर ही काटा आपने। कल दोपहर के बाद हाँ तो रुकना भी तो पड़ता नहीं, यहाँ कहाँ जगह जगह होती आश्रम होते नहीं दादा, टाइम पे रुकना पड़ता है यहाँ तो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के लगभग 10:45 का समय हुआ है और अभी अभी हमने बीजासन गांव को पार किया है। बीजासन गांव थोड़ा बड़ा गांव है, मार्केट भी है, पीछे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो प्रदीप जी से एक टैबलेट ली। आगे आकर विठल दादा ने थोड़ी मालिश की, इसे देखते हमारे मोरे गुरुजी की इंतजार में। हाँ मोरे गुरुजी अच्छी मालिश करते, पीछे से ग्रामीण भी आते उनके पास इलाज करवाने के लिए। देखते आगे मोरे गुरुजी मिलते हैं तो उनसे कुछ इलाज करवाते। आगे कुछ परिक्रमावासी जाते हुए नर्मदे हर जो पूरे घरों रह आवा नहीं, गिनने लायक घर ऐसे मिलते अभी। आगे झाड़ी में मिलेंगे नर्मदे। अपने यहाँ तो ये गाड़े चले गए ऐसे टायरों वाले। अंधा मोड़ है नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। इन पहाड़ों को पार करते हुए आगे जाना है नर्मदे हर। बीजासन में बीजासनी माता का मंदिर है, कहते हैं वो रावण की पुत्री थी और उन्होंने ये पर तपस्या की थी। यहाँ पर उनका मंदिर भी है मगर वो गांव से 1 किलोमीटर अंदर था तो हम नहीं जा सके।
नर्मदे दादा, अद्भुत नजारा है। हाँ दादा, नर्मदे हर गाड़ी में घुस ही गए भाई, घुसने वाला क्या। परिक्रमा के बाद ऐसी कई जगह पे आश्रम लगा दो दादा। परिक्रमा के बाद ऐसी किसी जगह पे आश्रम लगा दो। अति सुंदर ये पहाड़ काट के रास्ता बनाए दादा आगे। ये टेकरी भी कितना मस्त घर है, पानी और लाइट की सुविधा तो है ही, रहने का मजा आ जाए इधर। आश्रम हो तो दादा, कुछ महिलाएं खेती करते हुए चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। हम वहाँ नीचे से चलकर आए, कुछ पहाड़ी के पीछे बीजासन गांव है। नर्मदे हर दादा, सड़क बनने से पहले तो पहाड़ी को पार करके ही लोग जाते होंगे ना। नर्मदे हर, आगे भी दो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कितना है मोरकट्टा दादा? 3,103 किलोमीटर और 100 मीटर कट्टा थी। हाँ ठीक है ठीक है। नर्मदे हर, हरे भरे खेत और बहुत ही सुंदर घर। बीजासन से 1-2 किलोमीटर आए होंगे नहीं दादा? बीजासन से किलोमीटर, मोरकट्टा अभी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। देखते देखते ये सब पोरखेड़ी चले जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, पीछे वाले है ना वो यहाँ रुकेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चारों तरफ का अद्भुत नजारा दादा,
पर ये थोड़ा रोड बनने की वजह से प्रकृति से थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पर भी कोई बरसाती नाला बह रहा है। इधर भी देखो, इधर भी झरना बह रहा है। हाँ हाँ, नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर। अभी थोड़ी कदम चलकर आए होंगे कि एक और ये नाला आ गया। ये बरसाती नाला नहीं है, पहाड़ों से पानी आता है, झरने से।